नमस्कार लर्नर्स, NIOS के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। आज हम लोग प्रश्न पत्र कोड 504 प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम के अंतर्गत अंक गणित के अनुप्रयोग प्रतिशतता का नियम विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आइए प्रतिशतता के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिशतता जो है या प्रतिशत जो है दो शब्दों प्रति तथा सत से बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है एक तथा सत का अर्थ होता है सौ, अर्थात प्रतिशत का आशय है सौ में से एक। अंग्रेजी में इसको परसेंटेज के नाम से जानते हैं, पर मीन्स वन और सेंटेज मीन्स हंड्रेड। सौ में से कितना हिस्सेदारी बन रही है इस बात को पता करने के लिए हम प्रतिशत जैसे गणितीय कॉन्सेप्ट पर अध्ययन करते हैं। जब हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या घटनाओं की किन्हीं मात्रात्मक उपलब्धियों या विशेषताओं की आपस में तुलना करनी होती है तो हमें एक निश्चित मानक या व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दो बच्चे हैं, एक ही परीक्षा में अलग अलग अंकों पर अलग अंक पाते हैं, तो इन बच्चों की उपलब्धियों की तुलना हम सामान्य जानकारी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों बच्चों के कुल प्राप्तांकों में से कितने प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं उनको हम किसी एक मानक पर न ले आएँ, एक सामान्य नियम पर न ले आएँ, तब तक हम उन दोनों बच्चों की उपलब्धियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आइए ऐसी ही तुलना का पता करने के लिए, इस प्रकार की जानकारी को हासिल करने के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है और प्रतिशत को विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से प्रतिशत को समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है, घटना है आपके द्वारा आयोजित अपने विद्यालय में कक्षा 8 की गणित की परीक्षा जिसका पूर्णांक अधिकतम अंक 80 है। इस उदाहरण में मैं प्रयास किया हूँ कि आपको आपके विद्यार्थी को उसके परिवेश को समाहित करने का प्रयास किया हूँ कि मानते हैं कि आप अपने ही विद्यालय में कक्षा 8 की गणित की परीक्षा कराते हैं और उस परीक्षा का पूर्णांक अर्थात गणित का प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा आपने अपने स्तर से 80 अंक निर्धारित किया है। उसमें एक संगीता नाम की छात्रा है जो परीक्षा के उपरांत 64 अंक प्राप्त करती है। आपके द्वारा परीक्षा कराई गई गणित की कक्षा 8 की, उसमें अधिकतम अंक 80 हैं और सारी छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए, लेकिन एक छात्रा है जिसके अंक 64 अंक प्राप्त होते हैं। आपके पड़ोस के ही विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा वह भी उसी कक्षा अर्थात कक्षा 8 की परीक्षा अपने विद्यालय में सुनिश्चित कराते हैं और वह अपने विद्यालय में प्रश्न पत्र 75 अंक का निर्माण करते हैं, अर्थात पूर्णांक या अधिकतम अंक 75 है दूसरे साथी शिक्षक जो पड़ोस के विद्यालय में कक्षा 8 की गणित की परीक्षा लेते हैं और वहाँ के बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं तथा उसमें भी वहाँ भी एक छात्रा है जिनका नाम सुनीता है और वह 75 पूर्णांक में से 63 अंक प्राप्त करती हैं। अब सवाल उठता है कि दो छात्राएं संगीता और सुनीता उस कक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, दोनों अलग अलग अंक प्राप्त करती हैं, दोनों के पूर्णांक अलग अलग हैं, निश्चित रूप से सभी बच्चों में कौतूहल का विषय है कि आखिरकार गणित में उपलब्धि किसकी अधिक है, या दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों ने यह जानने का प्रयास किया कि गणित विषय में संगीता और सुनीता ने में से किसने अच्छा प्रदर्शन किया। आइए इस उदाहरण को आपके साथ लग करके हम हल करते हैं और जानते हैं ऐसी समस्या, ऐसे प्रश्न को आप अपने कक्षा में बच्चों के सामने कैसे रखेंगे। हम पहली छात्रा हैं जिनका नाम संगीता है और कक्षा, जैसा कि आपने देखा, कक्षा 8 है। विषय जो है गणित है, गणित की परीक्षा कराई गई है और संगीता आपके विद्यालय की छात्रा हैं, कक्षा 8 की छात्रा, जहां पर आप शिक्षण कर रहे हैं, गणित विषय की आपने परीक्षा कराया और संगीता जिस परीक्षा को दे रही हैं उस परीक्षा का पूर्णांक आपने 80 निर्धारित किया। कितना निर्धारित किया है?
80 अंक है कि पूरा प्रश्न पत्र 80 नंबर का है, जिसमें तरह तरह के प्रश्न आपने निर्माण किए हैं और बच्चे परीक्षा दिए हैं। उस परीक्षा में किसी खास छात्रा जिसका नाम संगीता है उनको परीक्षा में सम्मिलित किए हुए हैं, उनके अंक देखते हैं कितना मिले हैं। तो निश्चित रूप से, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको पढ़ाते समय जो है आप इस तरीके का उदाहरण जो है लिख करके ब्लैक बोर्ड पर रख दें और प्रश्नों के माध्यम से इन बिंदुओं में से क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं उन सूचनाओं को पता करेंगे। निश्चित रूप से जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है उस प्रश्न में छात्रा का नाम दिखा हुआ है, संगीता कक्षा 8 की छात्रा हैं, गणित विषय की परीक्षा दी हैं और इस विषय की जो परीक्षा दी हुई हैं उसका प्रश्न पत्र का पूर्णांक या अधिकतम अंक कितना है, 80। यह बातें प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप बच्चों से निकलवाएं, यह सारी बातें खुद न करें बल्कि रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक सूचना प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से निकलवाएं जाएँ। तो निश्चित रूप से आपके कक्षा के सभी बच्चे जागरूक रहेंगे और हर बच्चा प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास करता रहेगा। अब आप यह पूछेंगे कि संगीता ने जो परीक्षा दी थी उनका पूर्णांक 80 है, उसमें कितना अंक प्राप्त किया जाए। निश्चित रूप से आपके कक्षा के बच्चे हाथ उठाएंगे, उत्तर देंगे और किसी एक छात्र से या छात्रा से उत्तर ले सकते हैं। उत्तर में ये प्राप्त होता है संगीता ने कुल 64 अंक प्राप्त किया जो है, प्राप्त अंक जो है, प्राप्तांक जो है 64 आ रहा है। पूरे प्रश्न की एक परिस्थिति ये निकल के आई, पहला केस है जो है कि पहली छात्रा जो आपके विद्यालय की छात्रा है और वह कक्षा 8 की परीक्षा में सम्मिलित हुई है, पूर्णांक 80 है और उसने अंक प्राप्त किया 64। इन सूचनाओं को अपनी कक्षा में 2-3-4 प्रश्नों के माध्यम से अलग अलग बच्चों से उत्तर लेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से पूरी कक्षा में सम्मिलित होंगे, उत्तर देने के लालायित रहेंगे, आगे क्या होने जा रहा उसके लिए जागरूक रहेंगे। दूसरी घटना हो रही है कि पहले से आपकी आपके साथी शिक्षक की बात हुई, जो पड़ोस में विद्यालय हैं उन्होंने भी परीक्षा सुनिश्चित किया है, पाठ्यक्रम वही है, कक्षाएँ वही हैं और उन्होंने जो है पूर्णांक जो है अपने विद्यालय में जो सुनिश्चित किया है उसको थोड़ा सा बदल दिया है, जो है इनका पूर्णांक आपका जो है 75 है। इस बात को भी आप कक्षा में पूछेंगे कि बच्चों पड़ोस के विद्यालय में जो गणित की परीक्षा कराई गई है दिए गए प्रश्न में गणित का पूर्णांक कितना है। निश्चित रूप से बच्चे उत्तर देंगे कि दूसरी परीक्षा, दूसरे विद्यालय की गणित की परीक्षा जो 8वीं की गणित की परीक्षा कराई गई है, दूसरे शिक्षक के द्वारा कराई गई है लेकिन पाठ्यक्रम वही है, उसमें पूर्णांक जो है 75 है। कितना दिया गया है, 75 है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि इस 75 पूर्णांक की परीक्षा में दिए गए प्रश्न में किसी एक छात्रा का नाम है, उस छात्रा का क्या नाम है। निश्चित रूप से बच्चे जागरूक होकर उस छात्रा का नाम बताएंगे और उस छात्रा का नाम है संगीता जो है, आप सानी सुनीता जो है, आप छात्रा का नाम भी ब्लैक बोर्ड पर लिखें जिससे बच्चों में जागरूकता बढ़ती जाएगी जो है। और ये दूसरा केस हो रहा, दूसरी घटना हो रही है और सुनीता दूसरे विद्यालय हैं जहाँ की गणित की परीक्षा में उन्होंने सम्मिलित हुआ, कक्षा 8 की छात्रा हैं और पूर्णांक 75 में कितना अंक प्राप्त कर रही हैं। प्रश्न में दिया गया है कि सुनीता 75 पूर्णांक के प्रश्न पत्र में कितना अंक प्राप्त की हैं, ऐसा प्रश्न बना करके पूरे कक्षा के लिए पूछें और देखें कि पूरे प्रश्न पत्र को कितने बच्चे, आपके कक्षा के कितने छात्र या छात्राएं देख के उत्तर दे पा रहे हैं, सुनीता ने उस परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया है। निश्चित रूप से अधिक छात्र छात्राएं उत्तर देंगे कि सुनीता ने 63 अंक प्राप्त किया है। कितना अंक प्राप्त किया है, 63। उसको भी ब्लैक बोर्ड पर अलग से आप लिख सकते हैं, प्राप्तांक हो गया 63। इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण रखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्न बना करके उदाहरण में दी गई बातों को ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सहयोग से लिखेंगे। आपने देखा इस प्रश्न में इतनी जानकारी जो ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखा हुआ हूँ,
प्राप्त हो रही हैं, इनको गणित की भाषा में हम कह सकते हैं कि ज्ञात है, अर्थात जो जानकारियां प्रश्न में दी गई हैं वो इतनी जानकारियां हैं। दूसरा पक्ष आ रहा है, पूरे प्रश्न को आप पहला पक्ष कह सकते हैं। पहले पक्ष में दो भागें आ रही हैं, दो बातें आ रही हैं, दो छात्राएं हैं, दोनों का अलग नाम, दोनों की परीक्षा एक ही है, पूर्णांक अलग है, दोनों के प्राप्तांक हैं, और यह सारी की सारी बातें कुल मिला के एक रूप, एक पटल के रूप में हैं, और इनको हम कहते ज्ञात है, या अंग्रेजी में इनको कहते नोन। क्या कहेंगे? नोन। पूरे उदाहरण में, पूरे प्रश्न में इतनी बातें हमें जानकारी के लिए दी गई हैं। अब आप बच्चों से कहेंगे इस पूरे उदाहरण में अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे किसी एक छात्र या एक छात्रा से खड़ा करके अंतिम लाइन पढ़ने को निर्देशित करेंगे। ऐसा करने पर जो बच्चा खड़ा होकर पढ़ेगा निश्चित रूप से पढ़ेगा कि दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों ने यह जानना चाहा कि अंकों के आधार पर गणित विषय में किसका प्रदर्शन अच्छा है। दोनों ही कक्षाएं मतलब आपके विद्यालय की कक्षा जिसमें आप गणित के शिक्षक होते हुए स्वयं परीक्षा लिए हुए हैं, और दूसरी कक्षा अर्थात पड़ोस का जो विद्यालय है वहाँ भी कक्षा 8 की पढ़ाई होती है, बच्चे आपस में बातचीत करके पता कर लिए हैं कि वहाँ भी परीक्षा हुई है और यह घटना उनको मालूम है प्रश्न के माध्यम से, तो ये जानना चाहेंगे कि दो छात्राएं संगीता और सुनीता जो अलग अलग अंक प्राप्त की हैं उनमें से किस छात्रा को कहेंगे गणित में श्रेष्ठ हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से, अर्थात गणित विषय में प्रदर्शन किसका अच्छा है, इस बात को जानकारी करना है। इसको आप अपने भाषा में अपने शब्दों में ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, इसको कहेंगे इस प्रश्न का दूसरा भाग अच्छा, अर्थात गणित में प्रदर्शन, गणित में प्रदर्शन। अर्थात सुनीता संगीता से अच्छा है या संगीता सुनीता से अच्छा है, दो परिस्थितियां हो सकती हैं, यह दोनों में से कोई एक की उपलब्धि अधिक होगी, इस बात को गणित के शिक्षण में अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात, अर्थात अननोन, अननोन। अंग्रेजी में इसको अननोन कहते हैं। किसी भी प्रश्न को, किसी भी प्रकरण को पढ़ाते समय निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न के विभिन्न अवयवों को बच्चों के माध्यम से दो भागों में बांटने का प्रयास करना चाहिए कि आखिरकार उस प्रश्न में कौन कौन सी बातें दी गई हैं, और उन बातों को जो दी गई हैं, कुछ बातें सीधे सीधे प्रश्नों में लिख दी जाती हैं, कुछ बातें छिपा करके लिखी जाती हैं, कुछ बातों को विशेष ध्यान देने के बाद निकल के आती हैं, तो आपका एक शिक्षक होने के नाते यह दायित्व बनता है, एक जागरूकता आप में ऐसी आनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को जागरूक करके दिए गए प्रश्नों की अलग अलग जानकारियों को निकालें, और उसके बाद यह अवश्य निश्चित करें कि उस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, क्या पता करना है, कैसा हल निकालना है। अगर कक्षा के अधिक से अधिक बच्चे क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है जान जाते हैं, निश्चित रूप में उनमें उस प्रश्न को हल करने की, जानने की ललक बढ़ जाती है, और वह जो है उस विषय को, उस प्रकरण को आसानी से सरल करने के कुछ न कुछ रास्ते, कुछ न कुछ तरीके सुझाने लगते हैं, देखने लगते हैं, बताने लगते हैं। आएं इसको आगे देखते हैं। निश्चित रूप से दोनों विद्यार्थियों के अधिकतम अंक अलग अलग हैं, जैसा कि आपके देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी का अधिकतम अंक 75 है और दूसरे का अधिकतम अंक जो है 80 है, दोनों अलग अलग हैं, और उनके प्राप्तांक जो है वो भी अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठता की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है कि सरसरी तौर से हम देख करके इस सूचना के आधार पर नहीं बता सकते कि 80 में 64 अंक प्राप्त करना या 75 में 63 अंक प्राप्त करना कौन अधिक श्रेष्ठ है। इसके लिए हमें अलग अलग अधिकतम अंकों को एक समान अंक पर बदलने तथा उसमें प्राप्तांक प्राप्त करने करना होगा।
किस तरीके से छात्राएं 80 में 64 पा रही हैं, 75 में 63 पा रही हैं, अगर इन 80 और 75 दोनों पूर्णांकों को किसी एक मानक प्राप्तांक, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया जाए और उसमें उस अनुपात में प्राप्तांक कितना हो रहा है संगीता का, और उसी मानक प्राप्तांक में, एक निश्चित प्राप्तांक में जो दोनों बराबर हो जाते हैं, उसमें सुनीता का कितना अंश हो रहा है, अगर ऐसा कर ले जाते हैं, ऐसी अपनी बात बता ले जाते हैं, तो जो अधिक अंक प्राप्त करेगा निश्चित रूप से वह उस विषय में सर्वश्रेष्ठ घोषित होगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, और उसको देखने से यह बात अपने आप आसानी से दिखाई देने लगेगी। हम आइए इसको बदलते हैं, यह इस तरीके के बदलाव को, अधिकतम अंक को कैसे जो है बराबर में बदलें, इसके लिए हमें जो है एकिक नियम का प्रयोग करना होगा। और आइए एक एकिक नियम के माध्यम से हम बदलने का प्रयास करते हैं। यह जैसे संगीता जो है 80 अंक में, 80 पूर्णांक में, 80 पूर्णांक में संगीता के प्राप्तांक हैं बराबर, कितने हैं, 64। इस बात को भी आप अपनी कक्षा में बच्चों के माध्यम से उत्तर ले आएं और उनको अपने हाथों से ब्लैक बोर्ड पर लिखें कि पहली परिस्थिति में संगीता के अधिकतम पूर्णांक कितने, 80 हैं, और प्राप्तांक कितने, 64। इसको एकिक नियम से लिखें कि चूंकि 80 पूर्णांक में संगीता के प्राप्तांक हैं बराबर 64। अगर इसलिए अगर एक प्राप्तांक कर दिया जाए, पूर्णांक को कितना बना दिया जाए, एक, आप सभी जानते हैं कि एकिक नियम में हम एक पर देखते हैं कि एक में कितना उत्तर आता है, कि अगर पूर्णांक 80 की जगह एक कर लेते हैं तो संगीता के मार्क जो है कितने होंगे, निश्चित रूप से यहाँ आप पाएंगे 64 नंबर से कम अंक पाएंगे, यह 64 से अधिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कितना अंक होगा, 64 से कम होगा, इसके लिए हमें करना होगा 64/80। अगर पूर्णांक एक हो जाता है तो संगीता का अनुपातिक रूप से कितना अंक मिलेंगे, 64/80। इसलिए अगर हमारा पूर्णांक जो है यह स्पष्ट 80 की जगह 100 कर दिया जाता है तो संगीता को कितने अंक मिलेंगे, निश्चित रूप से 64/80 जो आया हुआ है उससे जो है अंक ज़्यादा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पूर्णांक हमारा अधिक हो रहा है तो प्राप्तांक भी अधिक होगा। और यहाँ पर देख रहे थे जब पूर्णांक हमारा 80 से एक हो रहा था, अर्थात कम हो रहा था, तो प्राप्तांक कम हुआ, इसलिए हमने 64/80 का भाग दिया। और यहाँ पर एक के तुलना में पूर्णांक 100 गुना बढ़ रहा है, निश्चित रूप से प्राप्तांक भी 64/80 का 100 गुना बढ़ेगा, इसके लिए हम 64/80 में 100 का गुणा करेंगे। और इसको आप बच्चों के सहयोग से फिर सहयोग लें कि 64/80 गुणे 100 का मान कितना होता है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शून्य जो है शून्य से कट गया जो है। फिर आगे 64/10/8 हो जा रहा है, इनको भी आप काटें जो है, 8 को जो है 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8, फिर 64 को काटते हैं, 4 × 1 = 4, 2 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, फिर 16 को आप 2 से काटते हैं, 1 × 2 = 16 बराबर 8×10 = 80। अर्थात संगीता नाम की छात्रा जो 80 पूर्णांक पर 64 अंक प्राप्त करती हैं, अगर उनके पूर्णांकों को 100 कर दिया जाए तो उनका प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 80। इसी 80 को हम गणित की भाषा में 80% बोलते हैं, प्रतिशत का ये निशान है, क्या बोलते हैं, 80%। अर्थात संगीता जो 80 पूर्णांक पर परीक्षा दी थी और वास्तव में 64 अंक प्राप्त की थी, अगर उनको प्रतिशत में उनकी अंकों को निकाला जाए तो वह जो है 100 नंबर में 80 नंबर पाएंगी, और 80 को प्रतिशत की भाषा में 80% कहेंगे। अब इस बात से निष्कर्ष निकल गया कि संगीता के को 80% अंक प्राप्त करते हैं। आइए दूसरी छात्रा जो आपके विद्यालय की छात्रा हैं, उनके अंकों को आप देखें जो है कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से आप हल करेंगे, और फिर हल करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि
प्रश्नों के माध्यम से कि सुनीता के पूर्णांक कितने हैं, बच्चे उत्तर देंगे 75 हैं, सुनीता ने 75 पूर्णांक में कितने अंक प्राप्त किया, 63 अंक प्राप्त किया, फिर बच्चों का सहयोग लेंगे कि चलिए बच्चों एकिक नियम के माध्यम से यहाँ भी देखते हैं कि सुनीता को 100 में कितने अंक मिलेंगे। ये हमेशा जागरूकता बनाए रखनी होगी, हर बच्चा आगे क्या होगा उसको जानने के लिए लालायित हो, प्रेरित हो। आइए इसको करते हैं, चूंकि 75 पूर्णांक में सुनीता के प्राप्तांक हैं, सुनीता के प्राप्तांक हैं बराबर कितने प्राप्तांक हैं, प्रश्न में दिया गया है 63। दूसरा प्रश्न उठेगा कि यदि सुनीता के पूर्णांक को 1 कर दिया जाए तो उनके अंक कितने होंगे, और यहाँ लिखते भी जाएंगे यदि सुनीता के पूर्णांक परीक्षा के 1 कर दिए जाए। यहाँ प्रश्न पूछिए कि उनके प्राप्तांक 63 होंगे, 63 से अधिक होंगे या 63 से कम होंगे। बच्चों के भी कई उत्तर अलग अलग आ सकते हैं, और आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि नहीं पूर्णांक का मान कम हो रहा है इसलिए प्राप्तांक के भी मान में कमी होगी। जब कमी होगी उसके लिए 63/75 करेंगे। यह फिर तीसरा प्रश्न आपका बनता है कि जब सुनीता के पूर्णांक को 1 की जगह 100 कर दिया जाए तो उनके प्राप्तांक कितने होंगे, वह प्राप्तांक बढ़ेंगे या घटेंगे, इस बात पर भी प्रश्न पूछेंगे और इसको लिखते हुए जाएंगे तो देखेंगे यदि पूर्णांक 100 कर दिया जाता है तो प्राप्तांक क्या होता है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के लिए हम 100 से इसमें गुणा करेंगे, हम 63/100/75 आप करेंगे तो देखेंगे कि इसका उत्तर जो है 84 आएगा। कितना आएगा, 84 अर्थात 84। पुनः जो है संगीता जो है 100 में 84 नंबर पा रही हैं। इनको फिर गणित की भाषा में बच्चों से कहेंगे कि इस 84 को गणित की भाषा में कितना लिखेंगे, तो बच्चे उत्तर देंगे कि गणित की भाषा में इसको हम 84% लिखेंगे, जो है 84%। अब आपने देखा कि आप शिक्षण करते हुए बच्चों को दिए गए उदाहरण में दो परिस्थितियां पैदा किए हुए हैं। संगीता जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत नंबर पा रही हैं, 80%, यह और सुनीता जो है इनके प्रतिशत कितने हैं, 84%। इन बातों को भी कई बार प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के मन मस्ती में बैठाएं कि बच्चों प्रश्न को हल करने के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि संगीता को 80% के नंबर आए हैं जबकि सुनीता को 84% नंबर पाए हैं। दोनों नंबरों का अगर आप तुलना करेंगे आपस में 80 और 84, फिर यहाँ सवाल पूछे कि 80 84 में कौन अधिक है, तो बच्चे कहेंगे 84 अधिक है, 84% अंक पाने वाला कौन है, उनका नाम सुनीता है। तो निश्चित रूप से जो आपको अज्ञात जानकारी दी गई थी कि किसके अंक अधिक हैं, सुनीता के या संगीता के, तो आप देखेंगे कि बच्चे आपको सहयोग करेंगे, उत्तर देंगे और यह बताएंगे कि सुनीता ने संगीता से अधिक अंक प्राप्त किया है। और कितना अधिक आया है, 84 से 80 घटाएंगे तो 4% अंक सुनीता के संगीता के तुलना में अधिक हैं। तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सुनीता जो हैं संगीता से अधिक अंक पाई हैं, अर्थात सुनीता नाम की छात्रा जो आपके विद्यालय की छात्रा है, दूसरे विद्यालय की छात्रा जिसका नाम संगीता है उससे गणित में श्रेष्ठ है। इस बात को इस अभ्यास के माध्यम से, कई प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के सामने जब परिस्थितियाँ रखेंगे तो बच्चे तरह तरह के उत्तर देंगे और उनके मन मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाएंगी। इसलिए कि यह उदाहरण आपके विद्यालय का है, इस विद्यालय में आप सम्मिलित हैं, आपकी छात्राएं सम्मिलित हैं, आपके छात्र सम्मिलित हैं, तो जो विषय वस्तु प्रतिशत बताने का प्रयास किया गया है यह प्रतिशत निश्चित रूप से बच्चों की समझ में आएगा। आइए प्रतिशत के कुछ उपयोग की बात करते हैं। यह है प्रतिशत जो कॉन्सेप्ट है, जीवन में, व्यवहार में, समाज में बहुत सारी समस्याओं को सरल करने में मदद करता है। तो कुल मिला के इन सारे बातों को 3 भागों में बांटा गया है कि प्रतिशत जो है
किसी व्यापार में लाभ तथा हानि को क्रय मूल्य की प्रतिशतता के रूप में बताता है। प्रतिशत ऋण की स्थिति में देय ब्याज को मूलधन के प्रतिशत के रूप में बताता है। कहीं उपज हो रहा हो, उत्पादन हो रहा है, तो उसकी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसकी स्थिति में वृद्धि अथवा कमी को प्रारंभिक उपज या उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भी जानकारी आती है। यह इन बातों को हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, लाभ के रूप में, लाभ तथा हानि में सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि लाभ बराबर आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत भी निकालते हैं कि जो लाभ हुआ उस लाभ को भी जब हम तुलना करना हो प्रतिशत के रूप में, दो या तीन या चार घटनाओं में जो लाभ हो रही हैं ये पता करना, किसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, किस कंपनी को, किस व्यक्ति को, उस लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलेंगे। और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे शव। उसी प्रकार से हानि भी होती है, हानि का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे शव। आगे ब्याज भी निकालते हैं, ब्याज निकालने में भी प्रतिशत काम करता है। ब्याज का सूत्र आप जानते हैं, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे शव। और इस सूत्र के माध्यम से तीन अन्य बिंदुओं जैसे मूलधन, दर और समय का भी मान निकाल सकते हैं। आपको साथ ब्याज मिल गया, मूलधन मालूम हो गया, तो उसके माध्यम से आप मिश्र धन भी निकाल सकते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। और इस सूत्र के माध्यम से मूलधन और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। आपने देखा कि गणित के अनुप्रयोग में प्रतिशतता का, प्रतिशत का नियम हमने आपसे बातचीत किया। प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का क्या नियम है, उसके माध्यम से आपने अपने ही परिवेश का एक उदाहरण जो बच्चों को समेटे हुए है, बच्चों के परिवेश से भी संबंधित है और उन्हीं के आपकी कक्षा की छात्राएं हैं, उनको उदाहरण लेते हुए इतने अच्छे तरीके से आप इस बात को बता सकते हैं भविष्य की अपने कक्षाओं में कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत की क्या क्या उपयोगिता है। इन विभिन्न बिंदुओं पर आपने हमारे साथ सम्मिलित हुए, इन बिंदुओं को देखे, बातचीत किए। मैं आशा करता हूँ इन बातों को सम्मिलित करते हुए भविष्य की कक्षाओं में आप अपने उपयोग में इन सारी बातों को सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।